ज्योति बैंक से जुड़े सैकड़ों सुरक्षा गार्डों ने बुधवार को परफेक्ट कंपनी के खिलाफ भारी वेतन कटौती को लेकर अमरगढ़ सोपोर में धरना दिया। संवाददाता इरफान नजीर की है रिपोर्ट। इन्होंने 10 तारीख तक बोला था बैंक हुकाम ने कि हम आपके साथ कोई ना कोई फैसला करेंगे, तो बदकिस्मती से इन्होंने 9 तारीख को ऐसा फैसला दिया कि जो हमें काबिल कबूल न था। तो इन्होंने एजेंसियों के हक में फैसला दिया, तो इन्होंने बोला हम एजेंसियां वॉश आउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने दूसरी बात यह कि उन्होंने गवर्नमेंट एक्ट लेबर एक्ट के तहत हमें हमारी पे एक्ट जो लागू करने का मुतालबा हमने किया था वो इन्होंने बोला। तो लेकिन अगर इन्होंने एजेंसियां वॉश आउट करने का कोई भी जो मुतालबा था हमारा वो इन्होंने कबूल नहीं किया। जिला हंदवाड़ा के निवासियों ने पीडीडी विभाग हंदवाड़ा के खिलाफ मौन विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सितंबर से ही बिजली कटौती आम बात हो गई है, जिस कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। निवासी और दुकानदारों ने शिकायत की कि उन्हें केवल 1-2 घंटे ही बिजली आपूर्ति मिल रही है और लंबे समय बिजली कटौती से जूझना पड़ता है, क्योंकि बिजली विभाग किसी भी शेड्यूल का पालन नहीं कर रहा। संवाददाता आदिल अकबर की है। अभी सर्दी का मौसम शुरू, सिर्फ इनको बिजली 1 मिनट डालते हैं, उसके बाद 6 घंटे बंद करते हैं। घर वालों को सभी को परेशानी होती है। बिल ये हर महीने की 1 तारीख को 900 से 1500 रुपये की बिलें डालते हैं, जिसकी वजह से लोग मैं परेशान हूँ। आप लोग भी यहाँ के रहने वाले कश्मीर, हंदवाड़ा का सारा कश्मीर आज गुप्त अंधेरे में है और हाहाकार हर तरफ से। कल भी कुपवाड़ा में निदेशक शिक्षा डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने हंदवाड़ा का दौरा किया, जहां आधुनिक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल हंदवाड़ा में मेगा नामांकन अभियान और नया वर्गीकरण किया गया।